जंगल को अपनी लाइफ से अवॉइड मत करिए। पैसे की कमी का जंगल आएगा, बीमारियों का जंगल आएगा, लोग आप मिनिस्ट्री कर रहे होंगे आपके चर्च को बंद करने आ जाएंगे, जंगल आएगा, लोग पथराव करेंगे, जंगल आएगा, आपके विश्वास के लिए आपका मजाक बनाया जाएगा, जंगल आएगा, बोलिए जंगल आएगा, जंगल आएगा, पर जंगल से मत डरना, अगर जंगल आया है तो इसलिए आया क्योंकि पवित्र आत्मा ने तुम्हें वहां भेजा है, जंगल आया है तो इसलिए आया कि पवित्र आत्मा तुम्हें वहां पर लेके गया है, जंगल आया है तो इसलिए आया है क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि तुम जंगल में फिरो। इसराइली फिरते फिरते क्या कर रहे थे? वो भी दुआ कर रहे थे। जंगल के सफर में आपकी दुआ का जीवन डेवलप हो जाएगा। गिव हिम द ग्लोरी। जब आप फिरते फिरते दुआ करते रहेंगे, पहले दिन इजरायली फिरे होंगे और लोग ऊपर यरियो की दीवार में बैठे होंगे, ये मालूम ही नहीं होगा, पहले दिन ही नेम में थोड़ा सा क्रैक आ गया, दूसरे दिन फिर फिरे होंगे तो दूसरी जगह क्रैक आ गया, तीसरी जगह क्रैक आ गया, चौथी जगह पर क्रैक आ गया, सातवें दिन जब सात बार फिरे होंगे तो नीचे से नेस तो नाबूद होके पूरी नींद मिट गई, यरियो की दीवार नीचे गिर गई। प्रार्थना का प्रभाव तगड़ा होता चला जाता है जंगल के सफर में, क्योंकि जंगल का सफर वो सफर होता है जहां आपकी प्रार्थना रोज डेवलप।